नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों संघ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ की बैठक। कहा, बार और बेंच को मिलकर एक साथ करना चाहिए काम, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकता है न्यायालय। अगस्त को सहजनवा में धीरज मुनि पांडे की हुई हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का राजघाट पर विधि विधान से हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार को देर रात कार दुर्घटना में बस्ती में हुई थी मृत्यु, अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में किया गया औचक निरीक्षण। कहा, विद्यालय में किसी प्रकार की नहीं पाई गई कोई कमी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के छठवें दिन डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा, विषय नहीं भाव है सेवा, सेवा के लिए संसाधन नहीं संकल्प है आवश्यक। कुशमही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह किया जाएगा विकसित। बच्चों को ऊंट व हाथी से जंगल का कराया जाएगा सैर, डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, चिकित्सकों द्वारा समाज और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की करता हूं सराहना। कोतवाली थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए दो मामले, एक मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। मानसरोवर मंदिर पर जीएफओ विकास यादव ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने का दिया संदेश। एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का एक बंडल केबल किया बरामद, भेजा जेल। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषा और संस्कृति पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की है खोज, वही संस्कृति हमारे जीवन की है विविध रूप। शुक्रवार की रात्रि में जनपद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली काफी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक छिटपुट बारिश होने की है संभावना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की जानकारी ली और जिन जनपद में बाढ़ आए हैं उन जनपदों में राहत सामग्री वितरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अपराध करने वाले अपराधियों को चिन्हित किया जाए, उन पर लगातार निगरानी की जाए जिससे अपराध पर रोक लगाया जा सके। इसके अलावा प्रदेश में कहीं पर भी मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाए। अगर कोई किसी होटल या रेस्टोरेंट में मादक पदार्थ पाया जाता है तो उस होटल और रेस्टोरेंट को सील किया जाए। प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
देवरिया, कुशीनगर, बागपत, चंदौली, मऊ, भदोही, कानपुर, आउटर क्षेत्रों में जो हमारी सूचना आई है उसके हिसाब से लगभग 10 से 11 हजार आदमी डिस्प्लेस्ड है, इस पर भी सरकार मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु लंबी डिस्टेंस के लिए जरूर सरकार आपको मार्गदर्शन प्राप्त, और जो दशहरा आएगा और फिर उसके बाद नवरात्र आएगी और उसकी तैयारी के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे सर। इन बिंदुओं पर सर आज आपने सचिव आवास साथ ही साथ जो है निर्यात प्रोत्साहन से जुड़े हुए सभी अधिकारी जो इकट्ठा हो जाता है सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सीडीओ भी आज जो है उपस्थित हो गए सर, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आबकारी भी जो है यहाँ पर है, जिनके माध्यम से इस पूरे अभियान को, अवैध शराब के अभियान को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे सर। आपका मार्गदर्शन आगे की क्या स्थिति है सर? अब जो है वर्तमान में वहां पे चंबल में पानी नहीं पड़ रहा, तो वहां पे लेवल है स्पीड का वो 7 लाख के आसपास आ गया, लेकिन जो सर इफेक्ट है सर, तो ये यमुना जी के पानी को सर बारिश करता है, प्रयागराज में गंगा जी में पानी आता सर, पानी पड़ता है गंगा जी का सर, तो यह 31 अगस्त को हाईएस्ट जो स्पीड लेवल है सर वो 26 पॉइंट समथिंग की आएगी, उसमें रिसीट रश होगा सर। जी मैदान के प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो सबसे ज्यादा लोग जलाव में प्रभावित हैं सर, प्रयागराज 10 लाख लोग जो है केदारनाथ कुमारी शरणालयों में रह रहे हैं, तो जनसंख्या के हिसाब से ये है। अगर मैं गाँव की गिनती से जानूँ तो सबसे ज्यादा अनूपपुर में 114 गाँव फैक्ट्री है और वाराणसी में 107 गाँव है, 5 गाँव। मैं जालौन जिलाधिकारी जालौन। नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ यमुना का जल स्तर बढ़ने से 3 तहसीलें सर प्रभावित हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी कचहरी के बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की, जिसके संबंध में प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि न्यायालय बिना अधिवक्ताओं के नहीं चल सकता है, बार और बेंच के समन्वय से ही न्यायालय चलता है, इसलिए बार और बेंच को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। गोरखपुर से मेरा पुराना नाता रहा है, मेरे ग्रैंड फादर यहाँ पर वकालत करते थे, इसलिए किसी अधिवक्ता को अगर किसी तरह की समस्या हो तो हमसे कभी भी मिल सकता है, यहाँ पर आकर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उन्होंने कहा किसी मामले का निस्तारण न्याय संगत किया जाता है, जो सही रहता है उसके पक्ष में ही न्याय होता है, इसलिए लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे, मंत्री धीरेन्द्र द्विवेदी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, मैं आपका इस पूर्वांचल की धरती पर बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं जिनका ध्यान बार एसोसिएशन में आकर किया है, तो करेंगे इन्हीं जनप्रतिनिधियों के साथ मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। Thank you.
सही तरीके से पूरा
एक्शन ले रहे हैं, जो गलत पाए जाएंगे उसको हटा के हटा दिया जाएगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा और जो सही और सही रहेगा। तो आप भी ट्रायल में जब जाते हैं तो आपको अपना मुकदमा हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी होता है, सबको देखा जाता है जल्दीबाजी का आग्रह नहीं। हम यहाँ पे जो मार्च में आए थे, मार्च से लेकर 6 महीना हो गया और अब तक हम लोग कोऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं रहा है। कोऑपरेशन रहा है आपका ट्रस्ट, हमने रहा है हमारा ट्रस्ट आपने रहा है। अगर हम कुछ ऐसे की बात करेंगी व्यक्ति की जगह की कमी है, उस ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस के साथ कुछ ना कुछ निर्णय ले लें और चाहेंगे उनका जल्दी ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सरदा, क्या बोले, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आप शामिल हुए सर, कैसा रहा आज विभिन्न कार्यक्रम आपके द्वारा शामिल? बहुत अच्छा, बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत हमारे वकीलगण बहुत ही अच्छे हैं, उनके संग मिलने बैठने से बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। सहजनवा थाने की पुलिस ने हत्या में बरामद फर्जी लाइसेंस धारक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सागर सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी ग्राम मजरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को धीरज मुनि पांडे की हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर घटना के मुख्य आरोपी सत्येंद्र उर्फ झीनक पुत्र ईश्वर देव राज निवासी डुमरी निवास थाना सहजनवा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसकी निशानदेही पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व लाइसेंस बरामद किया गया था, जिसके लाइसेंस की जांच जिलाधिकारी के कार्यालय से कराई गई तो पाया गया कि पूर्व में बरामद हुए लाइसेंस की कॉपी में दर्ज नाम सागर सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी ग्राम मजरिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर का नाम जिलाधिकारी कार्यालय के शस्त्र लाइसेंस रजिस्टर में कहीं दर्ज नहीं था, जिसके संबंध में थाने पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ फर्जी कूट रचे शस्त्र लाइसेंस बनाने के आरोप में पूर्व से हत्या के अभियोग में अभियुक्त सत्येंद्र उर्फ झीनक की न्यायालय से जल्द से तलब कराकर रिमांड ली जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव, महिला कांस्टेबल सुभावती वर्मा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा, थाना सहजनवा 14/2022 को धीरज मुनि पांडे की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस हत्या के मुख्य आरोपी सत्येंद्र झीनक को सहजनवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस आरोपी के निशानदेही पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व लाइसेंस बरामद किया गया था। जब उक्त लाइसेंस की जांच जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से कराई गई तो यह पाया गया कि लाइसेंस पे दर्ज नाम सागर का वहाँ उपस्थित रजिस्टर में कहीं भी इंद्राज नहीं था। इस संबंध में थाना सहजनवा पर 324/22 मुकदमा और संज्ञा पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 467, 68 के तहत
सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का शनिवार को राजघाट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात 12 बजे बस्ती के पास रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें उनकी पत्नी बीना सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शनिवार को मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों की मौजूदगी में राजघाट पर दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जनपद में एक दुखद घटना हुई। रोड एक्सीडेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल सिंह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। अगर मंदिर में कोई भी किसी काम से जाता था तो वह उस काम को बहुत ही सहजता और सरलता से देखते थे। शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनके मृत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, कर्नल सीपी सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी विनय गौतम एवं नव निर्वाचित सदस्य विधान परिषद और क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पर नीचे में पंडित जी ऊपर चला तो नीचे कहाँ गए हुए पंडित जी? ये जो चीज है
श्री मोतीलाल सिंह जी गोरखनाथ मंदिर में जन सामान निवारण अधिकारी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पोस्टिंग की गई थी, जो गोरखपुर से संबंधित समस्याओं को सुनते थे। उनका निधन कैम्प कार्यालय परिवार के लिए, साथ ही गोरखपुर से जुड़े हुए उन लोगों के लिए भी दुख का विषय है कि जिनकी वो समस्याएं वो सुनते थे, फ़ोन करते थे, तो उनका निधन हमारे लिए सही थी। गोरखनाथ मंदिर और कैम्प कार्यालय के अपूर्णीय क्षति है। एक दुखद घटना कल गोरखपुर में हुई। रोड एक्सीडेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो OSD से मोतीलाल सिंह जी, उनका दुखद निधन हुआ। वो एक बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। कोई भी किसी काम के लिए जब जाता था तो सहजता से, सरलता से उस काम को देखते थे, उनसे पूछते थे। एक आदमी है, उनका संबंध था। उनका एक दुखद निधन हुआ है। हम सबके पूरे परिवार में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको, उनकी मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करो। शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया तथा बालिकाओं को दिए जाने वाली सुविधाओं, पठन पाठन, भोजन, रखरखाव के बारे में बालिकाओं से जानकारी लिया तथा बालिकाओं से पूछा गया कि समय से नाश्ता, भोजन, दूध और फल मिलता है कि नहीं। वार्डन से विद्यालय के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने स्टोर रूम, किचन तथा क्लास रूम का निरीक्षण किया तथा बाकी सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर किए जाने का निर्देश भी दिया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रसद सामग्री की जाँच की गई। जाँच के दौरान सभी चीजें सामान्य पाई गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाया गया, सब ठीक ठाक चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने कहा, ये 8 तारीख में आया था सर, 6-8 इसमें तो दिया है। आपको देखिए लेटर कब गया था, इसमें 25-30 तारीख के बीच। हाँ, तो अभी नहीं आया सर, इस महीने विमान चला गया। चलो इसको दिखाइए जी, और स्टोर रूम दिखाइए जी। कमलेश, कितना खर्चा आया? स्टोर खोलिए, कितनी बालिकाएं हैं यहाँ पे सर? 100 का है, 100 बच्चों का कस्तूरबा होता ही है। कितनी मौके पर? मौके पे 81 प्रेजेंट है सर। कौन कौन सी किस क्लास है, किस क्लास का सर? 6th से 8th है। प्रतिदिन का सर अलग अलग है। कितने लोग काम कर रहे हैं सर? यूज होता रहता, आता रहता है कहीं और जगह। फड़ी हुई है, कौन लेके आता है? सड़ी नहीं है, जैसे बहुत गर्मी है ना, उसी समय आया हुआ है। अरे मैडम, देखो प्याज कैसे, कितने दिन हो गए छटवाते रहते सर? वही 6-8 में ही आया था जो सड़ी है, उसको छटवाते हैं। हां, उसको तो छटवाते हैं सर, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब रहता है, हट जाएगा सर। चलिए नरेश सर, उसमें नमकीन है, ये संतरी जूस है और वो सरसों तेल का है। सरसों तेल ही है सर, हाँ जी। फोटो ले लीजिए मैडम, आप भी। सर इसमें जो होगा वही इतना ही आता है, सिर्फ आप जाने सर, वही टेंडर वाला ही थी। टेंडर वाले झाड़ते रहते हैं हम लोग, इनकार कर दिया करते कि इसमें सर इसमें कितने कितने जवाब ठीक है सर? एक एक महीना हो जाता है, खराब होता रहता है, आता रहता है, हम लोग हमेशा खुद ही ले लेते हैं ना। चलो इसलिए
सर वो आता है पैकेट बंद आता है, पैकेट आपको दिखाएं चावल का पैकेट है जी, खुला जाता है सर, इसको जरूर डलवा देते हैं सर क्योंकि चूहा लग जाता है। पानी जो मतलब कुल मिला के वो करेंगे करेंगे नहीं आप इसको साफ करो ये बात क्या करना है एक लोग बताओ कोई क्या पढ़ रहे हो आप बताओ अभी तो इसी को देख रहे हैं क्या सीखा आपने मुर्गियों की मैडम मैडम अच्छा बनाती हैं यस सर अच्छा बनाती हैं यस सर क्या क्या खाया आपने आज लोग कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए कोई दिक्कत होगी बताइएगा ठीक है अच्छी बात है कोई दिक्कत मतलब मैडम पढ़ाती है अच्छे से ठीक है तो सारे सैटरडे को तो उठाते अरे ये काम दूंगा ठीक है अमित नहीं फल वल कुछ केला मिला दूध देर में आया दूध है दूध देर में आया सर दूध मिलता है कि नहीं कब सुबह सुबह मिलता है तो शाम को मिल जाता रोज रोज कल खाने को मिलता है नहीं यस सर चीनी वाला और क्या मिलता है सर कल कल सोया बन जाता है आज मैं राजेश कुमार वर्मा वीडियो खोराबार नायब तहसीलदार विकास के साथ आया हूं और यहां पर रसद सामग्री की जांच की गई जांच में चीज़ें ठीक पाई गई और मतलब बच्चों से भी मैंने बात किया उनको पूरक आहार मिल रहे हैं और बच्चे खुश भी हैं जी नहीं कुछ कोई कमियां नहीं मिली इनके स्टॉक भी ठीक ठाक पाए गए और बच्चे पर्याप्त भोजन भी पा रहे हैं इस बात का भी उन्होंने वो किया और मतलब यहाँ पे व्यवस्था ठीक लगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा कि सेवा कोई विषय वस्तु नहीं अपितु भाव है दृष्टि है जब तक भाव नहीं होगा सेवा नहीं होगी भाव से ही सेवा का जन्म होता है या भाव ही मनुष्य को मनुष्यता की तरफ अग्रसर करता है भाव की प्रधानता के कारण ही सेवा को परम धर्म कहलाने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर आशीष शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के छठवें दिन सेवा परमो धर्म विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हम समाज और इसके लोगों की पीड़ा देखकर व्यथित होते हैं हमारे मन में इसे लेकर संवेदना जागृत होती है तो हम सेवा की ओर उन्मुख होते हैं। सेवा की भावना को परिणामदायी बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर आशीष ने कहा कि सेवा के लिए संसाधन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसके लिए संकल्प का होना बेहद आवश्यक है। यदि आप किसी समस्या के समाधान के लिए सोच रहे हैं कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो यह भी एक प्रकार की सेवा ही है। सेवा मानव को उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराती है। कोरोना काल के दौरान विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए डॉक्टर आशीष ने कहा कि BAMS के विद्यार्थियों के लिए अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से मानव सेवा का शानदार अवसर है। आह्वान किया कि पढ़ाई पूर्ण करने के बाद इन विद्यार्थियों को एकाग्र होकर 12 साल सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। मंच संचालन वैभव दुबे व जानवी राय ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ BAMS की छात्राओं साक्षी सिंह मांपी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन मधुलिका सिंह अंशिका जायसवाल कहकसा
आशमा खातून स्वाति श्रीवास्तव के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BA MS प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की प्रथम स्थापना दिवस समारोह 28 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री एवं इस विद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में मनाया जाएगा। मुख्य समारोह के साथ ही 22 अगस्त से चल रहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में चल रहे सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का भी समापन होगा। जनपद में कुसमेही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में जेफ विकास यादव ने बताया कि विनोद वन एक समय में गोरखपुर का मिनी जू था, लेकिन अब जनपद में एक नया जू बन गया है और विनोद वन के जानवरों को नए जू में रख दिया गया है। विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें नेचर कैंप, योगा सेंटर, बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स संबंधित वस्तुएं, हाथी, ऊंट को रखा जाएगा, जो कि वन का भ्रमण करवाएंगी। उन्होंने कहा, विनोद वन को टूरिज्म की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे वन्य जीव के प्रति लोगों में जागरूकता फैलेगी और वन्य जीव के संरक्षण में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GFO विकास यादव ने कहा, मैं सभा में आए हुए सभी सदस्यों का के राय है, चल रहे हैं, जैसे उसके लाख हैं, ये सुना है, मिसिंग है, एक से ज़्यादा मिसिंग है, इसके अलावा भी जिनको मैं सुनना चाह रहा हूँ, यानी करना चाह रहा हूँ, सुमति वाली जी, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, अनस आदि, बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हमारे IMA अध्यक्ष डॉक्टर एस सी चौधरी, डॉक्टर सुशील चंद्रा, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर दीपेंद्र, सीरियल महाभारत जब देखा तो उसमें एक से एक योद्धा, लेकिन उसमें सबसे पहले जो समय का चक्र चलता है वो कहता है कि मैं समय हूँ, और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक जो ईश्वर का दूसरा रूप है, आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक मिनट का समय, सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम करने वाला, और उसमें से इतने लंबे समय से आप आकर के इस कार्यक्रम में हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और मैं डॉक्टर वाई सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैंने मना किया था, मैं जहां बुलाएंगे वहां चाय पर मैं आ जाऊंगा। आप सबके समय का बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है, फिर भी मुझे लगा कि कहीं लंबा ना चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पेशेंट आए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, तो अच्छा है कि जल्दी से मुझे आमंत्रित कर लिया। मैं आप सबका किन शब्दों में आभार प्रकट करूँ, मैं आपके बीच का हूँ, और कई लोगों ने कहा कि नित नई ऊंचाई, तो अटल जी ने सच में कहा है कि हे प्रभु, कभी मुझे इतनी ऊंचाई मत देना
कि अपने को गले न लगा सकूं, इसलिए हमेशा आपके बीच में बना रहूंगा, आपके बीच में काम करता रहूं। समाज जी को मैं उनको साथ बुला करके सम्मानित करें। ये ध्यान रखें डॉक्टर वाई सिंह अपना दिल लेकर के बोलते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे गोरखपुर महानगर के संयोजक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वाई सिंह जी ने गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था और मैं यहाँ आकर के पूरे गोरखपुर महानगर के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ थे। मैंने भी इन लोगों के बीच में रह करके लंबे समय तक काम किया है और आज इन लोगों के आयोजन में भागीदार बना। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ कि मुझे दायित्व मिला है और चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो आज आयोजन हुआ है, हमारे सभी गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सक यहाँ भागीदार रहे हैं। हम सब लोग लगातार मिल करके योगी जी के नेतृत्व में यहाँ हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सेदारी की है और आगे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर जो बन रहा है उसमें हम सब भागीदार बनेंगे। इसी योजना के तहत यहाँ हम सब बैठे थे। ये एक स्वागत का कार्यक्रम नहीं, एक मिलने जुलने का परिचयात्मक कार्यक्रम था। अपने चिकित्सक मित्रों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा छात्र संघ चौराहे स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से देश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा समाज हित और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। इस अवसर पर तमकुही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार, घनघटा के विधायक गणेश चौहान, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर वाई सिंह, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अमित सिंह, श्रीनेत डॉक्टर आर पी शुक्ला, डॉक्टर शिवशंकर शाही, डॉक्टर एस सी कौशिक, दिनेश चंद, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर संजीव सिंह, सुनील चंद्रा, डॉक्टर नितिन मिश्रा, डॉक्टर अमित सिंह सहित अन्य डॉक्टर एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बीच में सभा में आए हुए सभी सदस्यों का के राय है, डॉक्टर राय है, डॉक्टर मुख्यनाथ हैं, डॉक्टर सुखा हैं, डॉक्टर सिंह हैं, एक से ज़्यादा अमित सिंह हैं, इसके अलावा भी जिनको मैं सौरभ तिवारी जी, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, अनस आदि हम लोग सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। हमारे आई एम अध्यक्ष डॉक्टर एस सी कौशिक, डॉक्टर सुशील चंद्रा, डॉक्टर ए के राय, सेना के सदस्य है, आप ही डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर
जी से अनुरोध करूँगा, मैं अनुरोध करूँगा सभी से कि अपने भोजन में कुछ संचय कर रखेंगे लोग। सीरियल महाभारत जब देखा तो उसमें एक से एक योद्धा, लेकिन उसमें सबसे पहले जो समय का चक्र चलता है वो कहता है कि मैं समय हूँ, और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक जो ईश्वर का दूसरा रूप है, आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक मिनट का समय इस सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम करने वाला, और उसमें से इतने लंबे समय से आप आकर के इस कार्यक्रम में हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और मैं डॉक्टर वाई सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैंने मना किया था, मैं जहाँ बुलाएंगे वहाँ चाय पर मैं आ जाऊँगा। आप सबके समय का बहुत महत्वपूर्ण, एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है। फिर भी मुझे लगा कि कहीं लंबा ना चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पेशेंट आए होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, तो अच्छा है कि जल्दी से मुझे आमंत्रित कर लिया। मैं आप सबका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, मैं आपके बीच का हूं, और कई लोगों ने कहा कि नित नई ऊंचाई, तो अटल जी ने सच में कहा है कि हे प्रभु कभी मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि अपने को गले ना लगा सकूं, इसलिए हमेशा आपके बीच में बना रहूंगा, आपके बीच में काम करता रहूं। चौहान जी को मैं उड़ा करके सम्मानित करें, ये ध्यान रखें। डॉक्टर वाई सिंह अपना दिल लेकर के रहते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे गोरखपुर महानगर के संयोजक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वाई सिंह जी ने गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सकों के साथ एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था, और मैं यहाँ आकर के पूरे गोरखपुर महानगर के प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक यहाँ थे। मैंने भी इन लोगों के बीच में रह करके लंबे समय तक काम किया है, और आज इन लोगों के आयोजन में भागीदार बना। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ कि मुझे दायित्व मिला है, और चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से जो आज आयोजन हुआ है, हमारे सभी गोरखपुर महानगर के प्रमुख चिकित्सक यहाँ भागीदार रहे हैं। हम सब लोग लगातार मिल करके योगी जी के नेतृत्व में यहाँ हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने हिस्सेदारी की है, और आगे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर जो बन रहा है उसमें हम सब भागीदार बनेंगे। इसी योजना के तहत यहाँ हम सब बैठे थे। ये एक स्वागत का कार्यक्रम नहीं, एक मिलने जुलने का परिचयात्मक कार्यक्रम था। अपने चिकित्सक मित्रों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों संघ की बैठक अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ की बैठक, कहा बार और बेंच को मिलकर एक साथ करना चाहिए काम, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकता है न्यायालय। चौदह अगस्त को सहजनवा में धीरज मुनि पांडे की हुई हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का राजघाट पर विधि विधान से हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार को देर रात कार दुर्घटना में बस्ती में हुई थी मृत्यु, अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शा...
शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में किया गया औचक निरीक्षण। कहा, विद्यालय में किसी प्रकार की नहीं पाई गई कोई कमी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के छठवें दिन डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा, विषय नहीं भाव है सेवा, सेवा के लिए संसाधन नहीं संकल्प है आवश्यक। कुशमही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह किया जाएगा विकसित। बच्चों को ऊंट व हाथी से जंगल का कराया जाएगा शैर। डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, चिकित्सकों द्वारा समाज और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की करता हूं सराहना। कोतवाली थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए दो मामले, एक मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। मानसरोवर मंदिर पर जीएफओ विकास यादव ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने का दिया संदेश। एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का एक बंडल केबल किया बरामद, भेजा जेल। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषा और संस्कृति पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की है खोज, वही संस्कृति हमारे जीवन की है विविध रूप। और शुक्रवार की रात्रि में जनपद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली काफी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक छिटपुट बारिश होने की है संभावना। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना दिवस में विभिन्न तरह के मामले आए, जिसमें अधिकतर मामले राजस्व विभाग से संबंधित आए, जिसके निस्तारण के लिए कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य ने राजस्व व पुलिस की टीम बनाकर जांच के न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। डीएफओ विकास कुमार यादव ने मानसरोवर मंदिर में पौधारोपण किया, जिसके संबंध में डीएफओ विकास कुमार यादव ने बताया कि 5 जुलाई से पौधारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है और 15 अगस्त को 35 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। जनपद में 51 लाख से ज्यादा के पौधे लगाए जा चुके हैं। लोगों में जागरूकता के लिए लगातार जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मानसरोवर मंदिर में भी पौधारोपण किया गया, जिसमें इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राएं शामिल रहे और सभी लोगों में एक एक पौधे का वितरण किया गया। सभी लोगों को संकल्प दिलाया गया है कि वह पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हरियाली को बढ़ाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, और आप लोगों को बता दें कि पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है स्कूलों में, क्या क्या पढ़ा कोई बता पाएगा? एक आप लोगों से और क्या होता है? प्रदूषण दूर होता है। जी जी जी, एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। जब तक इंसान वेंटिलेटर खो साहब आए हैं, जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, आज आप लोग के बीच में है और इन लोग इनके साथ ही मिलकर भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। सर मानसरोवर मंदिर पे आपके द्वारा पदारोपण किया गया, सच में? देखिए, ये हम लोगों ने जो वृक्षारोपण महाअभियान चलाया है और जिसकी शुरुआत 5 जुलाई को की गई और 5, 6, 7 जुलाई को और फिर 15 अगस्त को मिलाकर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए हैं और हमारे जनपद में 51 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने पौधे लगाए। उसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने के लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पौधारोपण करने के अभियान को चलाया हम लोगों ने रखा हुआ है। और उसी चरण में आज हम लोगों ने मानसरोवर जो मंदिर है उसके प्रांगण में पौधारोपण किया, और इस्लामिया इंटर कॉलेज के जो छात्र छात्राओं द्वारा भी पौधारोपण किया गया है और उनको एक पौधा दिया गया है। ये संकल्प लिया गया हमारे द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हम लोग करेंगे और जिससे कि जो पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके और हरियाली को बढ़ाया जा सके, और यही हमारा संकल्प है और इसी क्रम में हम लगातार काम कर रहे हैं। कैंट थाने की पुलिस ने एक साथी चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पीपल डाढ़ा एयरफोर्स चौकी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ब्रजेश निषाद पुत्र स्वर्गीय हरिलाल निषाद पीपल डाढ़ा कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक बंडल विद्युत केबल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 26 अगस्त को संदीप निषाद पुत्र ओम प्रकाश निवासी पीपल डाढ़ा कूड़ाघाट द्वारा थाना कैंट गोरखपुर पर सूचना दी गई कि मेरे मकान के बगल में ब्रजेश निषाद पुत्र स्वर्गीय हरि निषाद का घर है। 26 अगस्त को रात 9 बजे अपने घर पर ब्रजेश चोरी का केबल रखा था, जिसे मैं व मेरे जीजा पकड़कर केवी सहित थाने पर लाए हैं। ब्रजेश यह केबल तारामंडल रामगढ़ ताल से चोरी किया है, यह आए दिन चोरी करता है तथा शराब भी पीता है, जिसकी सूचना पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वह नशे का आदि है, नशा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह छोटी मोटी चोरियां करके अपने नशे की लत को पूरा करता है। अपने जुर्म को कबूल कर माफी मांग रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, एयरफोर्स चौकी प्रभारी सुनीता सिंह, कांस्टेबल राहुल यादव, संदीप पासवान शामिल रहे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के तीसरे दिन भाषा व संस्कृति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नई दिल्ली के शैक्षिक सलाहकार व शिक्षाविद डॉक्टर राजीव राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए नई दिल्ली के शैक्षिक सलाहकार व शिक्षाविद डॉक्टर राजीव राय ने कहा कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम व साधन है। मानव समाज के जीवन यापन के विविध रीति रिवाज को संस्कृति कहते हैं। मानव संसाधन की अनिवार्य आवश्यकता भाषा है, तो इसे सजाने संवारने एवं समाज और वैश्विक सामंजस्य बैठाने की जरूरत का नाम संस्कृति है। भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की खोज है, वहीं विभिन्न संस्कृतियां हमारे जीवन के विविध रूप हैं। अतः भाषा और संस्कृति दोनों सामाजिक अर्जित संपदा हैं। दोनों के संरक्षण और संवर्धन से मानव समाज अद्यतन तथा समकक्षीय हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाषा और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। भाषा संस्कृति की मौखिक अभिव्यक्ति है। संस्कृति से ही देश के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, इंद्रेश पांडे, पीयूष सिंह, भगवान सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, आप हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों के चित्र लें और एक कोलाज बनाएं, तो हमें आज की प्रिमिटिव सोसाइटी मिलेगी, है ना। जो जारवा समुदाय के लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, यहाँ से लगभग वो कट ऑफ है। आदिवासी समाज के भी लोग हैं, जो कुछ पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं को एडॉप्ट किया है, उन लोगों को भी है। और हमारे पास सुपर रिच और सुपर इलीट, है ना, दुनिया के धनी लोग भी हैं और दुनिया के विद्वान लोग भी, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे शिक्षा का फील्ड हो, एकेडमिक्स, कल्चर, थिएटर, फिल्म, तो वो भी, तो इतनी विविधताएं हैं और इसमें इतना वेरिएशन है, और सब चीज़ों को एक साथ देखेंगे कि हम उनके क्या संबंध हैं।
भाषा से अगर हम शुरुआत करें तो भारत में अभी भी लगभग 100 से ज़्यादा भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। ये कभी 500 थी, लेकिन धीरे धीरे भाषाएं मर रही हैं, दुनिया में मर रही हैं, और बोलियाँ उनसे तेजी से मर रही हैं क्योंकि उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और अगर वो पठन पाठन में शामिल नहीं है और रोजगार का साधन नहीं है तो वो भाषाएँ दुनिया में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा बोलियाँ एग्जिस्ट करती हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएँ हमें एग्जिस्ट करती हैं। भाषा और संस्कृति का जो संबंध है उसको मैं केन्या के एक लेखक हैं गोगो वाथियो की, क्योंकि केन्या का समाज भी भारतीय समाज जैसा ही है और वहाँ 18वीं शताब्दी से ही भारतीय लोग गए, तो अभी बहुत सारी भारत की चीज़ें आपको समोसा और पकौड़ी और रोटी ये केन्या में भी सब मिलता है और लोग जानते हैं ये बहुत दिवाली और ये सब। तो गुगी और थिंगो के संदर्भ से मैं बात करूँगा केन्या की, और भारतीय संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं भाषा और संस्कृति के संबंध में। लेकिन जो संस्कृति है, जो कल्चर है और भाषा है, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, हम एक बातचीत कर रहे हैं सिर्फ भाषा का यही रोल नहीं है, भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है। जब हम और आप एक भाषा के साथ सहज होते हैं तो हम दोनों ये मान लेते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बहुत चीजें कॉमन है। तो भाषा एक कल्चरल बाई प्रोडक्ट होती है, आपके कल्चर से आती है, है ना। बंती नाम के एक एजुकेशनिस्ट और लिंग्विस्ट हुए हैं, उन्होंने भाषा को लेकर काफ़ी काम किया, तो वो ये बताते हैं कि भाषा में कैसे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें हर एक चीज़ को लेके डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो परिवार एक साथ खाना खाता है, लेकिन चर्चा करता है। उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो खिटिया समाज है वो उसमें भाषा का बोलने वाली भाषा का नॉन वर्बल तो काफ़ी यूज होता है पर वर्बल उसका बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अब खेत में जाना है ना, तो उसमें ज़्यादा बोलने का नहीं है। सूरज उगा, आप खेत पे गए, वहाँ फावड़ा है, कुर्सी सुधार, आपने काम किया, फिर 12-1 बजा आपने खाना खाया, तो बर्फी में इस तरह से अलग अलग काम करने वाले लोगों के बीच में भाषा के विकास को लेकर काम किया है, तो वो उस कल्चरल रिफ्लेक्शन से भी जुड़ा हुआ। तो गुगी वाथियो की मैं बात कर रहा था, वो केन्या के लेखक हैं और उनकी किताबें हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई हैं, उनकी एक किताब है भाषा संस्कृति और भारतीय भाषा। गुगी ने एक बात उसमें लिखी और उनकी अपनी मातृभाषा जो है गिकियू है, गिकियू किसी केन्या में भी कई और भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनकी अपनी मातृभाषा गिकियू है। तो उन्होंने ये कहा कि 4 साल तक जो वो भाषा बोलते थे उसके साथ उनका सांस्कृतिक जुड़ाव ज़्यादा महसूस होता था, क्योंकि तब तक वो स्कूल नहीं गए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने घर में भोजपुरी बोलता हूँ ना, लेकिन स्कूल में तो हमारी भाषा भोजपुरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि 4 साल तक जो भाषा हम बोलते थे अपने परिवेश में अपने घर में वो, और जो हम विद्यालय उस भाषा में बहुत फर्क था, और वो जिस विद्यालय में गए वो उस समय औपनिवेशिक शासन था और एक अंग्रेजी विद्यालय था जिसमें उनका एडमिशन। उस विद्यालय में एक प्रक्रिया ये होती थी कि जो भी अपनी लोकल भाषा बोलता था उसको एक बटन, ये बटन होती है ना, तो मॉनिटर, एक मॉनिटर बना दिया जाता है, मॉनिटर की जिम्मेदारी होती थी कि वो बटन दे देगा जो भी अपनी लोकल भाषा स्कूल में इस्तेमाल करेगा, और अंग्रेजी जो बोलता था, जो बेहतर अंग्रेजी बोलता था उसको रिवॉर्ड मिलता था, उसको साफ। आज की जो गोष्ठी है ये दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यानमाला के तहत आज 3रा दिन है, और आज की गोष्ठी का विषय भाषा संस्कृति और शिक्षा तथा राष्ट्रीयता भारत के विशेष दृष्टिकोण में। तो भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा पर, संस्कृति पर, राष्ट्रीयता पर और इनके अंतर संबंधों पर विचार होगा। इसमें दिल्ली से जो है प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर संजीव राय जी आए हैं, जो कि करीब 20 देशों में शिक्षा पर उन्होंने काम किया है,
और कन्फ्लिक्ट एजुकेशन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कोरोना काल में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पुस्तक की आपदा के दौर में जो है हम शिक्षा को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, इस विषय पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो आज उनका विशिष्ट व्याख्यान जो है व्याख्यानमाला के तहत है और इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे। जनपद में शुक्रवार को रात्रि में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफ़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की देर रात्रि हुई बारिश को 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया तथा बताया जा रहा है कि 30 अगस्त तक छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें। गांव के लोग बारिश के समय में पेड़ों के नीचे ना रहें व अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा लें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों संघ की बैठक अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं के साथ की बैठक। कहा, बार और बेंच को मिलकर एक साथ करना चाहिए काम, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकता है न्यायालय। अगस्त को सहजनवा में धीरज मुनि पांडे की हुई हत्या में बरामद शस्त्र के फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारक को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर के ओएसडी मोतीलाल सिंह का राजघाट पर विधि विधान से हुआ अंतिम संस्कार। गुरुवार को देर रात कार दुर्घटना में बस्ती में हुई थी मृत्यु। अधिकारियों व भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में किया गया औचक निरीक्षण। कहा, विद्यालय में किसी प्रकार की नहीं पाई गई कोई कमी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के छठवें दिन डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा, विषय नहीं भाव है सेवा, सेवा के लिए संसाधन नहीं संकल्प है आवश्यक। कुशमही जंगल स्थित विनोद वन को टूरिज्म के दृष्टिगत पिकनिक स्पॉट की तरह किया जाएगा विकसित। बच्चों को ऊंट व हाथी से जंगल का कराया जाएगा शैर, डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी द्वारा भाजपा के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, चिकित्सकों द्वारा समाज और राष्ट्र हित के किए जा रहे कार्यों की करता हूं सराहना। कोतवाली थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए दो मामले, एक मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। मानसरोवर
मंदिर पर जीएफओ विकास यादव ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने का दिया संदेश। एक शातिर चोर को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का एक बंडल केबल किया बरामद, भेजा जेल। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के तीसरे दिन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषा और संस्कृति पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भाषा जहां मानवीय आवश्यकता की है खोज, वही संस्कृति हमारे जीवन की है विविध रूप। शुक्रवार की रात्रि में जनपद में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली काफी राहत। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक छिटपुट बारिश होने की है संभावना। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।